सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयमीन, आप देख रहे हैं टेकी जयमीन। दोस्तों आज मैं बात करूंगा वावे के Y9 के बारे में, जो 7 जनवरी को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। जो ये स्मार्टफोन ऑफिशियली चाइना में लॉन्च हो चुका है अक्टूबर के महीने में, तो मैं इस वीडियो में इसी के बारे में बताना चाहूंगा और क्या कुछ इसमें स्पेसिफिकेशन आपको इसे मिलती है, किस प्राइस में आपको आ सकता है ये स्मार्टफोन, इसी के बारे में बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोजिक वीडियो लाता रहूंगा। तो वावे के Y9 की फोन की बात करूँ तो इसमें आपको पीछे की तरफ रियर साइड भी और फ्रंट में भी आपको ड्यूल रियर कैमरा का सेटअप, यानी कि 4 कैमरा का सेटअप आपको टोटल मिला के हो जाते हैं। तो इस फोन की खासियत मेन यही है, बाकी कुछ इसमें नहीं है नया कुछ। इसमें किरिन का 710 नया वाला प्रोसेसर आपको इसमें मिल जाता है। तो मैं इसकी स्पेसिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें पहली आती है डिस्प्ले। तो डिस्प्ले में आपको 6.5 इंच की फुल एचडी प्लस की 19.5:9 रेजोल्यूशन वाली नॉच वाली आपको डिस्प्ले मिल जाती है। ये आपको TFT LCD पैनल आपको डिस्प्ले मिलती है और इसमें आपको बताना चाहूंगा ये 3D डिज़ाइन वाली आपको एक कर्व डिज़ाइन आपको इसमें मिल जाती है, यानी कि लुकआउट के मामले में बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है और डिस्प्ले में भी आपको अच्छी डिस्प्ले आपको इसमें मिल जाती है। अब बात आती है इसके चिपसेट की। तो चिपसेट में आपको किरिन का 710 मिल जाता है, मैंने पहले ही बताया। इसमें 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी में काम करता है और ये AI पावर 7.0 के साथ में आपको मिलता है। ऑक्टाकोर पावर आपको ये प्रोसेसर आपको मिल जाता है। और दूसरी बात, इसमें पहले जो 4 कोर है वो 2.2 GHz पे काम करते हैं कॉर्टेक्स A73 पे, और दूसरे जो 4 कोर है वो 1.7 GHz पे काम करते हैं कॉर्टेक्स A53 पे, यानी कि पावरफुल प्रोसेसर है। और इसमें आपको GPU मालिक का G51 MP4 का आपको GPU मिल जाता है, यानी कि परफॉर्मेंस के मामले में बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है और आपको PUBG जैसे गेम आसानी से आप किस में खेल सकते हो। अब बात आती है इसके रैम और स्टोरेज वेरिएंट की बात। तो इसमें आपको 2 वेरिएंट चाइना में अवेलेबल है, 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज और 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आपको मिल जाता है। और इसमें माइक्रो एसडी कार्ड लगाने का ऑप्शन आपको मिल जाता है, वो भी डेडिकेटेड है, वो 400GB तक इसे एक्सपेंड कर सकते हो, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। इसमें आपको ट्रिपल स्लॉट आपको मिल जाता है, तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी क्योंकि आपको 2 नैनो सिम और मेमोरी कार्ड आसानी से लगा सकते हो। अब बात आती है इसके रियर कैमरे की। तो रियर कैमरे में आपको ड्यूल रियर कैमरा का सेटअप आपको इसे मिल जाता है, वो 13+2 MP का सेटअप है। इसमें जो प्राइमरी कैमरा है इसका एपर्चर F1.8 का इसमें एपर्चर मिलता है। जो सेकेंडरी कैमरा है डेप्थ सेंसिंग के लिए, इसमें आपको F2.4 का इसमें एपर्चर मिल जाता है। सिंगल टोन LED फ्लैश आपको इसमें मिल जाती है, 1080p तक 13 FPS तक रिकॉर्डिंग इसमें भी आप कर सकते हो, तो बहुत ही अच्छी बात है रिकॉर्डिंग के मामले में, बहुत ही अच्छी है। पर फ्रंट में आपको जो कैमरा मिलता है वो आपको बताना चाहूंगा। फ्रंट में भी आपको ड्यूल फ्रंट सेल्फी कैमरा आपको मिल जाता है, वो भी 16+2 MP का सेल्फी कैमरा आपको मिल जाता है। जिसमें जो प्राइमरी कैमरा है इसका एपर्चर F1.0 का इसमें एपर्चर मिलता है। जो सेकेंडरी डेप्थ सेंसिंग कैमरा है फ्रंट में, उसमें आपको F2.4 का इसमें एपर्चर मिल जाता है। और इसमें AI के सारे जो फीचर्स आपको मिलते हैं दोनों कैमरा में, तो वो भी अच्छे आपको मिल जाते हैं। AI के सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं और इसमें अभी आप 1080p तक 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो, तो कैमरा के मामले में ये स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा है, इसमें भी कोई आपको दिक्कत नहीं मिलेगी। अब बात आती है इसके बैटरी और सॉफ्टवेयर की। तो बैटरी में भी आपको 4000 mAh की आपको बैटरी मिलती है, पर यहाँ पे नाराजगी वाली बात है, इसमें भी अभी तक कोई टाइप सी पोर्ट या कोई फास्ट चार्जिंग इसमें नहीं मिलता है। नॉर्मल जो 5 वोल्ट 2 एम्पीयर 10 वोल्ट का चार्जिंग एडेप्टर आपको मिलता है, वैसे आपको इसमें इन द बॉक्स आपको मिल जाता है, पर इसमें 4000 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो एंड्रॉयड ओरियो 8.1 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, जो एक EMUI 8.2 पे रन करता है, तो आपको एक लेटेस्ट सॉफ्टवेयर भी आपको मिल जाता है। पर इसमें भी नाराजगी वाली बात यह है कि आपको एंड्रॉयड पाई नहीं मिलता, क्योंकि ये अक्टूबर के महीने में लॉन्च हुआ था, तो अब जाके ये इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो देखते हैं कि एक पाई पे आने वाला है कि ये 8.1 पे आने वाला है, वो तो 7 जनवरी का ही पता चलेगा। अब बात आती है इसके कनेक्टिविटी और सेंसर की। तो इसमें आपको नॉर्मल जो सेंसर है वो सभी सेंसर आपको इसमें मिल जाते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको रियर माउंटेड आपको इसमें मिल जाता है। इसमें माइक्रो USB 2.0 मिल जाता है, मैंने पहले ही बताया कि इसमें आपको फास्ट चार्जिंग नहीं मिलता। इसमें ट्रिपल स्लॉट आपको मिल जाता है, 2 नैनो सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन आपको इसमें मिल जाता है। ब्लूटूथ का 5.0 आपको मिलता है, 3.5 mm का ऑडियो जैक भी इसमें मिल जाता है, यानी कि ओवरऑल कनेक्टिविटी और सेंसर के मामले बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन, आपको इसमें कोई दिक्कत
नहीं मिलेगी। अब बात आती है इसके कलर वेरियंट और प्राइस की, तो इसमें आपको तीन कलर वेरियंट आपको इसे मिल जाते हैं, ब्लैक, ब्लू और पर्पल। ये तीनों कलर में अलग अलग एक वेरायटी है और एक अलग डिज़ाइन आपको मिल जाती है। तो कलर के मामले और डिज़ाइन के मामले में बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन आपको इसमें मिल जाता है। अब बात आती है इसके प्राइस की, तो चाइना में जो अभी अवेलेबल जो प्राइस है उसकी प्राइस रखी गई है, 4GB वाला वेरियंट है इसकी प्राइस रखी गई है, जो चाइनीज युआन 1499 यानी कि इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो 15,000 की प्राइस हो जाती है। जो 6GB वाला वेरिएंट है इसकी प्राइस चाइनीज युआन की बात करें तो 1999 यानी कि इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी प्राइस हो जाती है 20,000, यानी कि 5,000 का आपको फर्क मिल जाएगा। पर आपको बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन अच्छी प्राइस में आपको मिल रहा है, पर इसी प्राइस में जो इंडिया में जब आ जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, पर जो इससे ज़्यादा होगा तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि जो प्राइस आपको ऑफर कर रही है, जो प्राइस में स्पेसिफिकेशन आपको मिल रही है वो थोड़ी सी कम ज़्यादा है, क्योंकि जो अभी तक इंडिया में जो भी थोड़े बहुत स्मार्टफोन अभी तक मिले वो इसमें भी आपको अच्छी इस स्पेसिफिकेशन के साथ में भी आपको इसमें मिल जाते हैं। क्योंकि 20,000 की प्राइस में आपको 6GB 64GB वाला वेरिएंट आपको पोको F1 भी आपको ऑफर कर रहा है, तो वो भी बात है, जो इंडिया में 7 जनवरी को जब आएगा तभी पता चलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मैं ऐसी रोजी की वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।